हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में। नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? इंटरप्रेन्योर यानी कि मालिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जो कार्य हो रहा है या कार्य किया जा रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है, क्योंकि उसमें कैपिटल यानी कि जो बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल यानी कि फंड का यूज़ किया जाता है वो लगता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं, या आदान प्रदान भी गुड्स का कह सकते हैं। मतलब हमने जो है रॉ मटेरियल को मंगवाया और फैक्ट्री में, और उसको जो है अपनी अपने अनुसार जो है उसको फिनिश्ड किया, फिनिश करने के बाद उसको सेल किया, तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हमने जो है रॉ मटेरियल प्लस सर्विसेज को मिला करके प्रोडक्ट तैयार किया, उसको सेल किया, उससे क्या जनरेट किया? प्रॉफिट किया। तो जो बिजनेस का जो नेचर होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव्स, यानी कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बाई चांस फेल हो गया या नहीं चला, तो उसमें रिस्क भी होता है, और वो कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है यानी कि अनिश्चितता। फिर हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स कॉन्टीन्यूटी, यानी कि हमारा जो हम गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड करें यानी कि बेच रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, और उसका जो हमें पेमेंट रेगुलर मिलता जा रहा है, तो हमारी ट्रांजेक्शन कंटिन्यूटी चलते रहते हैं। तो जो हमारे पास लागत लगाई उसका जब मूल्य वापस आता है प्रॉफिट के साथ, तो हम अपने वर्कर्स को भी दे पाते हैं, और नए ऑर्डर के लिए, मटेरियल के लिए हम जो है मटेरियल को भी अरेंज कर पाते हैं। फिर आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी से मतलब ये है कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसका जो है पूर्ण रूप से प्रभावित होकर के जो है उसको पूरा सहयोग कर सकें। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जब एक बिजनेस में और हर प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, वेयरहाउस डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फिर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस को स्टार्टअप करता है, तो उसको जो है बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेना पड़ता है। लोन लेने का मतलब होता है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है फाइनेंस को कर रहा है। फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सेल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसके वो कस्टमर की नीड के अनुसार है कि नहीं, और उससे कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं। जो कस्टमर फीडबैक दे रहा है उससे क्या सेल्स की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, और कंपनी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर हम बात करते हैं सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स। सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स का मतलब होता है कि बहुत सारी जो हमारी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, वो सेटिस्फाइंग हो पा रही है कि नहीं। यानी कि प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है जो सोशल नीड्स का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस अप्रेजल देना, कंपनसेशन देना, जो टैक्सेस है वो सारे प्रोवाइड करना, और इसके अलावा जो अदर टैक्सेस होते हैं उसको भी प्रोवाइड करना पड़ता है, और जो हॉलीडे देना, मतलब मान लीजिए गांधी जयंती है, 26 अक्टूबर है, बहुत सारे जो सोशल ज़रूरतें होती हैं, दिवाली में फंड, ग्रेजुटी बोनस वगैरह ये सब होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोशल नीड्स में आते हैं। और अपना मार्केटिंग करना, तो मार्केटिंग करने के बाद जो है कुछ चैरिटी भी प्रोवाइड करना, तो ये सोशल नीड्स में आते हैं। तो उन सोशल नीड्स तब आपको प्रोवाइड पूरी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, जब वो ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है वो जो स्टार्टअप काफ़ी अच्छा हो, और दूसरी बात यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बेस्ट तरीके से चल रही हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे नए वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे।